हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक इनामदार की फ्रेम्स एनिमेशन से, और आप देख रहे हो डे 7 इंटीरियर डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल का। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी इसमें मेरा लाइटिंग ही बचा है इस पार्ट में है। सो पहले मैं एक बार ये इसको मटेरियल दे देता हूँ, थोड़ा सा डार्क ब्राउन होगा। और हल्का सा शाइन आएगा इसमें। सो इसको रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस 0.9 कर देता हूँ। सो अभी शुरू करते हैं लाइटिंग। मैं जाता हूँ फोटोमेट्रिक में। एक्चुअली वीरे भी यूज़ कर सकता हूँ, बट फोटोमेट्रिक का बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है जब भी हम आईएस लाइट जनरली लेते हैं। सो मैं ऑलवेज़ वीरे इस्तेमाल करता हूँ, वीरे आईएस इस्तेमाल करता हूँ, बट इस प्रोजेक्ट में मैं जानबूझकर मैं फोटोमेट्रिक इस्तेमाल करूँगा ताकि उसका एक रिज़ल्ट हमको दिखे। सो टारगेट रेक्टेंगल लिया है मैंने, और मैं यहाँ से लाइट डिस्ट्रीब्यूशन से तो अपने को वेब चाहिए, और ये मैं करता हूँ पॉइंट लाइट इमिट लाइट से, और डिस्ट्रीब्यूशन में करता हूँ फोटोमेट्रिक वेब, और यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ। देखो अभी देखोगे अभी रे शेडो लाइट का शेप भी प्रॉपर आ गया है। सो आई चूज़ फोटोमेट्रिक, और ये जो फोटोमेट्रिक फाइल होता है वो मेरे पास, मैं यहाँ से असाइन कर लेता हूँ फोटोमेट्रिक आईएस फाइल्स। अभी देखोगे तो लाइट का शेप देखो कैसा चेंज हुआ है। ये टारगेट ऑफ करने से मैं थोड़ा सा उसको पोजीशन कर लेता हूँ। ये एक यहाँ है, परफेक्टली पोजीशन कर लेते हैं। कैमरा वन थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, टारगेट ऑन। टारगेट कितना नीचे है ऊपर है उसे कुछ एक्चुअली ऐसा सच फर्क नहीं पड़ेगा, बट टारगेट हमने अगर उसको स्लाइड किया एक्स डायरेक्शन में तो वो शेप चेंज होता है, एमिशन का शेप। तो यहाँ से कैमरा वन से कैसा है उसका पोजीशन, सो सही है। और सेटिंग कर लेते हैं, मतलब अपने को रेंडर करने की बीच बीच में अपने को रेंडर करना पड़ेगा। सो वीरे में एक बार चेक कर लेता हूँ टेस्ट रेंडर की सेटिंग कर लेते हैं। ये भी ठीक है, एडवांस में डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कर दो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा रेंडरिंग का। सो बकेट ठीक है, यहाँ से मैं एक ग्रे मटेरियल लेता हूँ ताकि सबको एक ग्रे मेटल असाइन कर सकेंगे, और फिर बाद में लाइट का एमिशन देखेंगे कि लाइट कैसे आ रहा है। सो ये ग्रे मटेरियल, और ये स्लाइड कर लेता हूँ यहाँ से ओवरराइड मटेरियल में, इंस्टेंस करता हूँ ताकि सब पूरे इंटीरियर में अपने को ग्रे का रेंडरिंग दिखेगा, और रेंडरिंग जल्दी होगा और हम कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे लाइटिंग पे। ये ठीक है, इमेज फिल्टर नहीं चाहिए अभी, आने दो, थोड़ा सा नॉइज़ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बकेट विथ 12 कर दो, थोड़ा जल्दी होगा इससे भी। और ये नॉइज़ थ्रेशोल्ड 0.01 0.05 कर देंगे, चलो ठीक है। ग्लोबल सब डिवीजन ठीक है, कलर मैपिंग
एक्सपोनेंशियल, ठीक है जी। एम ए रेडियंस मैप लाइट केश, ठीक है। एम्बिएंट ऑक्लूजन नहीं चाहिए। वीरे वेरी लो रेडियंस लाइट केश 500 परफेक्ट, ठीक है। रेंडर एलिमेंट्स तो नहीं चाहिए, अभी हम रेंडर करके देखेंगे। और एक्चुअल इसका जो लाइट का जो शेप है, देखो यहाँ परफेक्ट शेप आ रहा है। तो ये शेप का जो एमिशन है वो परफेक्टली दिखता है। लाइट सेलेक्ट करता हूँ, वीरे टू साइडेड ही है ना, ठीक है। कि यहाँ एक मटेरियल असाइन, कर्टन का मटेरियल ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, अभी ये ओवरराइड मटेरियल निकाल देता हूँ और अभी हम एक बार टेस्ट करके देखेंगे। थोड़ा सा इंटेंसिटी इसका मैं कम करता हूँ और एक बार रेंडर करके एक बार देख लेंगे। ये तो ठीक आ रहा है, जितना इंटेंसिटी यहाँ से चाहिए था। सो मैं अपना वीडियो पॉज करता हूँ ताकि मैं आपको फिनिश रेंडर दिखा सकूँ और फिर मैं वीडियो चालू करता हूँ। तो ये हो गया रेंडर, तो यहाँ पे तो ठीक दिख रहा है लाइट। और अभी सारे इसका हम लाइट डाल देंगे फॉल सीलिंग में। हिस्ट्री में इसको यहाँ से पहले निकाल देता हूँ सारा चीज़, और इसको सेव कर लेता हूँ ताकि हम बाद में कंपेयर कर सकें नॉइज़ लेवल और अरेंजमेंट्स। चलिए ये तो हो गया, अभी वापस ओवरराइड में आता हूँ और अभी हम लाइट को हम इंस्टेंस करेंगे, उसके कॉपीज़ बनाएंगे। इन द सेंस बनेगी कॉपीज़ पर बनाऊंगा उसका इंस्टेंस। सो शिफ्ट और ड्रैग करता हूँ इंस्टेंस, शिफ्ट और ड्रैग इसको मैंने किया, परफेक्टली बैठा है, ठीक है। शिफ्ट और ड्रैग,
ओके, शिफ्ट और ड्रैग, मैं ये पीछे लाइट्स क्यों लगा रहा हूँ, मैं जाके ये आगे लेसन ख़त्म होने के बाद मैं बोनस इसमें और एक चीज़ बनाऊँगा जिसमें हम 360 डिग्री रेंडर भी निकालेंगे, ताकि वो फेसबुक में अपलोड कैसे करना है उसको, तो इसके लिए पूरा कर लेते हैं, मतलब वो बाद में रहना नहीं चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। सो अगर ये आपको टोटल मेरा पसंद आया हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक ज़रूर करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।